नमस्कार मंडळी, मी अंकिता मोरे, तुम्हा सर्व प्रेक्षकांचं इन बी सी एन न्यूज प्रेझेन्स आदिशक्ती दर्शन या कार्यक्रमात मनापासून स्वागत करते. दररोज प्रमाणे एका देवीची व्याख्या आणि तिच्याबद्दलची माहिती आणि दर्शन थेट तुमच्या घरी घेऊन येतो. आजही आज आपण आलेलो आहे धंतोल येथे माँ भगवती मंदिर येथे. ह्याही मंदिराबद्दल खूप काळापासून ऐकण्यात आलेलं आहे. मी लहान होती तेव्हापासून कुठे ना कुठे ऐकतच आहे आणि आज आम्ही खास हे दर्शन तुमच्या घरी घेऊन येणार आहोत. तर चला मंडळी मंदिराच्या आत जाऊया. समोर इथले ट्रस्टी म्हणजेच की पटले साहेब आहेत, यांना या विचारूया मंदिराबद्दल. मला हे विचारायचं आहे की मंदिर कधीपासून इथे स्थापित आहे, कधीपासून इथे माँ आईची म्हणजे भवानी आईची सेवा करण्यात आलेली आहे. मला इथल्या थोडासा इतिहासाबद्दल माहिती मिळेल का? या मंदिरामध्ये 1960 अगोदरपासून मंदिर आहे. मंदिर हे होतं, इथे छोटं मंदिर होतं, त्या मंदिरची मग इथे स्थापना केली. त्यानंतर मग इथे छोटं टाकून मंदिर तयार केलं. मग नंतर इथे स्टेडियम बनलं. स्टेडियम बनल्यानंतर इथे मंदिर मग जास्त प्रमाणात वाढलं. अजून वाढत मग या मंदिरामध्ये भजन कीर्तन वगैरे व्हायचं. मग नवरात्र म्हणजे भजन कीर्तन नवरात्रीचे म्हणजे अजूनही उपक्रम घेतला जात होते का मंदिरात? आता लॉकडाऊन मुळे कुठे ना कुठे मागच्या वर्षी जर नवरात्री थांबली, या नवरात्री मध्ये निमान मंदिर तरी ओपन झाले, भक्तांची गर्दी कशी असते इथे? जास्त होते गर्दी. अच्छा, तुमचा ट्रस्ट कमिटी काम करते इथे, तर या तुमच्यामुळे समाजासाठी पण काही कार्य केले जातात का? कार्य म्हणजे हे कार्यक्रम म्हणजे हे महाप्रसाद महाप्रसाद अच्छा नाही पण महाप्रसादही वाटप म्हणजे खूप मोठीच गोष्ट आहे. सगळ्यांना अन्न किती इम्पॉर्टंट असतं हे माहितच आहे. चला मंदिराबद्दल तर माहिती मिळालेलीच आहे, पण आता वेळ आलेली आहे माँ भवानीच्या थेट दर्शनाची आणि तिच्या गाभाऱ्यात जाण्याची. तर चला मंडळी माझ्यासोबत. दर्शकांनो, आपण आता मंदिराच्या गाभाऱ्यात आलो, एकदम देवीच्या सामोरे आहो आणि इथे पण इतकं प्रसन्न वातावरण आहे. किती छान सुशोभित हा गाभारा आहे, नवीन नवीन फुलांनी आणि काचेची एक वेगळी सजावट इथे केलेली आहे. इथे पुजारी आहेत आणि पंडितांची मला बोलायची खूप इच्छा आहे. तो आप कितने सालों से माँ की सेवा में यहाँ पे? मैं 15 साल किया पढ़ाई करता था यहाँ से. जब बचपन में आया मेरे पिताजी करते थे फादर, और उन्होंने अभी तक यहाँ पिछले साल तक किए
उनका पैर टूट गया तो अभी मैं यहाँ पुनः आया हूँ। हाँ, माँ का मैंने बहुत पाठ किया बड़े बड़े मंडप में, जैसे अभयंकर नगर हो गया, गोपाल नगर में अभी करता हूँ, दूसरा बस स्टॉप में, एयरपोर्ट में करता हूँ, कईक जगह मानी माँ का मैं सेवा करते हूँ और पाठ करता हूँ, जब करता हूँ। मुझे ये जानना है कि माँ भगवती का ये जो स्थापित मंदिर है, तो इनकी कोई मान्यताएं हैं? अगर कुछ है तो मैं जानना चाहूँगा। नहीं, मान्यता थी ये, यहाँ पर जो है तो पहले ग्राउंड था, खुला मैदान था, और उस समय यहाँ नदी में संगम था और उदासी आश्रम था, वहाँ के बड़े महंत थे, उन्होंने मिलकर यहाँ देवी का स्थापना की है। ग्राउंड था छोटा सा, पहले इधर बैठी है वो पत्थर का, शीतला माता रखे थे, बाद में इनको ले आकर स्थापना किए, बाद में यशवंत स्टेडियम बना, इसको हटा रहे थे, दो बार यशवंत स्टेडियम गिर गया तो फिर यहीं स्थापित रखे। आज का ये नवरात्रि का चौथा दिन, मैं चाहूंगी जब पंडित जी आप हमारे सामने हो और आप माँ के ही बाजू में बैठे हुए, तो दर्शकों को प्लीज आज के चौथे दिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ऐसा है कि ये सब लक्ष्मी हैं, ये देवी जो हैं, एक तो भगवती है कन्या, और जो ये सब लक्ष्मी है, जैसे पहले दिन का जो स्थापना होता है वो शैलपुत्री के नाम से होता है, पार्वती जी के नाम से, दूसरे दिन जो आज है वो ब्रह्मचारिणी बोली जाती है, ब्रह्मा जी की जो पत्नी होती हैं, ब्रह्मचारिणी, और तीसरे दिन जो है कुष्मांडा माता होती है, चौथे दिन स्कंद माता होती है, और प्रथम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं कुष्मांडे चतुर्थकम अश्वमेधे पंचमं जो है षष्ठम जो है कात्यायनी देवी है, सप्तम के दिन कालरात्रि माने जाते हैं, उस दिन काल की रात्रि जाती है देवी की, सुम्भ ने सुम्भ को मारे, उस दिन जो है सप्तम दिन कालरात्रि होता, अष्टमा दिन लक्ष्मी का होता गौरी का, और नौवां दिन जो है सिद्धदाती का भगवती का होता है, ऐसे नौ देवी हैं, तो नौ देवियों का एक एक दिन जो है उनका नाम रहता है, उनका पूजा होती है, उनका पाठ होता है, और उनका जप ध्यान जो भी हो अलग अलग, एक ही में नौ है, जैसे ये देवी है इनका तीन स्वरूप है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये तीनों हैं, और ये जो है तीन स्वरूप है, और सवेरे जो है कन्या का स्वरूप होता है, दोपहर को इनका नौजवान का स्वरूप होता है, जैसे विवाहित होती हैं, और शाम को बुढ़ापे का स्वरूप होता है, माने ये तीनों रूप धारण किए हुए हैं, तो काल बोलते हैं महाकाली, महाकाली को बलिदान जो देते हैं निम्न वर्ग के, वो काली को मानते हैं जो सुम्भ ने सुम्भ को मारी, और लक्ष्मी को जो है व्यापारी धनवान जो बनना है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का स्वरूप देते हैं, और सरस्वती या ज्ञान का स्वरूप विद्या का, ये तीन स्वरूप रहती है, और ये तीन में नौ हैं, माने अलग अलग दिन रूप धारण करती हैं माता जी, ऐसा, और इनके सोरा जो है सोरस मातृका जो बोलते हैं, सोरा माता होती है, सोरा माता इनके साथ रहती हैं, इनको गाना, जैसे आप कोई प्रोग्राम करते हैं गाना वाना गवाते हैं उसको गंधर्व बोलते हैं हिंदी में, तो जो है इनका मनोरंजन के लिए सोरा माता जो है लक्ष्मी गणेश की पदनी, इनकी कार्तिक की पदनी, जितने देवता हैं इनको बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गाना कीर्तन सुनाती हैं, जिससे प्रसन्न रहें और लोगों का सृष्टि का कल्याण करें, ऐसा है, और साथ इनके साथ लक्ष्मी रहती है, साथ लक्ष्मी होती है, तो जैसे धन लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, और आपके व्यापार लक्ष्मी, ऐसे सात लक्ष्मी रहती हैं इनके साथ, और 64 योगिनी रहती हैं, उनका योगिनी का काम क्या है, जैसे कोई राक्षस आ गया तो मार दिए, बड़ी भयंकर होती हैं, माता जी नहीं जाती, माता जी का सिर्फ वरदान था सुम्भ ने को मानने के लिए,
और चंड मुंडे के लिए। चंड मुंडे को जब मानने लगे तो चंड एक खून गिर जाता था, हजार पैदा हो जाते थे। तो फिर माता जी काली का स्वरूप धरे, खप्पर ले लिए और जो है मानने लगे और खून पीने लगे और खप्पर में खून पूरा ले लिए, बाहर जमीन में नहीं गिरा। तब चंड मुंडे की राक्षसों की वृद्धि हुई। तो ये इसका बड़ी कहानी है। विष्णु भगवान सो रहे थे निद्रा में और उस समय जो है विष्णु भगवान का वो धनुष से वो हो गया। तो फिर जब बाद में जो है ये पैदा हो गए, वरदान दे दिए कि मैं जल में न मरूं, थल में न मरूं, ये सुम सुम बड़े राक्षस थे। उस समय माता जी जो है इनको जो है देवता पृथ्वी में जब संकट आ जाता है तब सभी देवता जो है भगवान की स्तुति करते हैं नारायण की, कि नारायण प्रकट हों। हाँ, तो उस समय नारायण के बस में नहीं था। तो माता जी को जो है शिव जी अपने नेत्र से, तीसरी नेत्र हैं शिव जी, तो तीसरे नेत्र से निकाले ये दिव्य जोर, जैसे लिखा है विद्युत दाम संप्रवाम मृगपत स्कंधितिता, माने जैसे विद्युत, ये जो लाइट का विद्युत होता है एक मिनट में करंट कराता है, ऐसे जो है ये विद्युत के समान है। जिसको छोड़ दिए ना उसका कल्याण हो गया, जिसका मन जाओ जिसको छोड़ दिए वो चला गया। भावना के मुताबिक जैसा आपकी भावना रही वैसा आपको इसका फल मिलेगा, ऐसा। और कर्म गीता में कर्म बताए, जैसे माता जी का जोर लिखा सन्मुख हो जीव मोहि जब वहीं जन्म कोट तब नाशेगा वहीं। जब बार बार माता जी के आप पैर पड़ोगे तब माता जी आपका कल्याण करेंगे। जैसे किसी के पास हमारा काम है आपके पास, तो हम बार बार आपके पास जाएंगे, त्रेस होंगे और सुनाएंगे अपनी विपत, तब आप काम करोगे। ऐसे माता जी के पास जो बार बार घर्षण करता है से पटकता है उसका कल्याण करेंगे। ऐसा फिर क्या हुआ देवियों का है, जैसे 108 जो है देवी बनी, तो 108 जो है शिव का लिंग बना, फिर 1000 हुआ, 1000 हुआ, ऐसे ही अलग अलग नामों से जो है लोग इनका नाम पढ़ते गया। वैसे तो क्या है ये 9 पीठ हैं, 7 पीठ है। कत्या जब पार्वती जी सती हुई तो शिव जी गले में लेकर हड्डी पागल के नाई घूमने लगे, तो उस समय जहाँ जहाँ हड्डी गई है वही वही देवी का स्थान मुख माना गया है। मंडळी आज आपल्या मंडळींनी इतकं काही सांगितलेलं आहे आणि ही माहिती कुठे ना कुठे तुमच्या आमच्या सगळ्यांसाठी खूप महत्त्वाची ठरलेली आहे। वेळ आलेली आहे आता भक्तगणांकडे जाण्याची, त्यांची थोडीशी मनोभावना जाणण्याची। तर चला एकदा त्यांची मनोभावना जाणून घेऊया। नौ रात नौ दिन माई दखम दिन बिदाई विसर्जन मा चली कम दिन विदाई विसर्जन मा चली विसर्जन मा चली विसर्जन मा चली आंगन डगर घर सुना अजीर भय नैना निरस हुई हर गली नौ रात नौ दिन माई दसम दिन बिदाई विसर्जन मा चली मंडळी ह्या मंदिराचं वातावरण खरंच खूप प्रसन्न आहे, भक्तगण पण खूप येत आहे। तर चला एखाद्या भक्तासोबत आपण थोडस वार्तालाप करूया। चला काका आलेला, काका या ना इकडे। तुमचं नाव काय? अजय मून। अरे दादा किती वर्षापासून येतात तुम्ही या मंदिराला? 30 वर्ष। लहानपणी पासून? पासून 40 वर्ष।
तर तुम्हाला आवडते इथे येणं किंवा आणि आई सोबत म्हणजे कशी भक्तिभाव आहे तुमचा? दरवर्षी कसं एक नवराष्ट्री म्हटलं की नवरात्रीचा एक झगमगाट असतो, दरवर्षी हे असतो, आम्ही नेहमीच येतो, नेहमीच कंटिन्यू रोज. देवीच्या समोर काय प्रार्थना आहे तुमची यावर्षी? प्रार्थना काय, आईला फक्त आशीर्वाद मांगतो आम्ही, आशीर्वाद. हा, हे सगळं गायब झालं पाहिजे कोरोना वगैरे. हो नक्कीच, थँक्यू सो मच. पूर्ण खतम केला पाहिजे. आमची पण हीच एक प्रार्थना आहे इकडे की लवकरात लवकर हे जे पॅन्डेमिक आहे किंवा कोरोना सारखा जो व्हायरस आहे तो घेऊन जागव आहे आणि एक चांगलं जीवन आपल्याला सगळ्यांना जसं होतं तसं वापस. एक ताई पण आहे तिथे, काय नाव आपलं? माझे कौशल्या. कौशल्या, किती वर्षापासून इथे तुम्ही काम करता की तुम्ही आहेत? मी इथं काम करते, झाडू उपचार सगळं देखरेख माझी सेवा करते मी. अरे हा, सेवेचं खरं म्हटलं ना की छोटे छोटे जे काम असतात ना त्यांनी आई प्रसन्न पण होत असते. काम करते इथं असं काही नाही, पण माझी सेवा करते माझी. अच्छा, तुम्हाला एक विचारू का की या मंदिराची काही मान्यता आहे का? जसं काही म्हणतात ना की आपण आईकडे आलोय आणि काहीतरी चमत्कार झाला, असं कोणाचं काही अनुभव वगैरे तुम्हाला आठवते? ते माझ्या कृपानं मला चमत्कार झालेला आहे. माझी मुलगी मला पुष्कळ वर्षात झाली तसं, पण मायनं सगळं काही दिलं, चांगलंच दिलं. हे ऐकून मला खूप छान वाटत आहे, खूप खूप म्हणजे असंच आई जवळ राहा तुम्ही हीच अपेक्षा. मी लहानपणापासून माझ्या इथं बचपनच गेलं आहे इथं काम करताना. मम्मी पण होते, पप्पा पण होते, इथं दुकान वगैरे होते आमचे किराण्याचे. पिढ्यानपिढ्यात चाललं, पिढोपिढी चालली आमचे, तसं काही नाही आहे. पण पुष्कळ वर्ष झाले मला इथं मी काम करते तर तरी मला तीस वर्ष झाले. अरे वा, सगळं वर्ष झाले मला, म्हणजे लहानपणच गेलं, तरुण पण लहानपण गेलं, आता मी तसं. चांगलं ना, आईचा आशीर्वाद नेहमी तुमच्या सदैव. मला राहू दे, खूप खूप गोड. प्रेक्षकांनो, आज आम्ही तुम्हाला इथं थेट दर्शन दिलेलं आहे श्री माँ भगवती मंदिर धंतोली, यशवंत स्टेडियमच्या बाजूलाच आहे. तुम्ही सुद्धा दर्शन करण्याकरिता इथे येऊ शकता.
बरं का म्हणजे इथे खूप छान असं प्रसन्न असं वातावरण, आणि तुम्ही नुकतंच येऊ पण शकता, बसूही शकता, इथे मोकळीक पण खूप छान आहे. रोज प्रमाणे आजचा हा चौथा दिवस तुम्हा सगळ्यांना आम्ही दाखवला. आता उद्या पण बघायला विसरू नका. इन बीसीएन न्यूज प्रेझेंट्स आदिशक्ती दर्शन फक्त अंकिता मोरे सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.